और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अलवर के मुजावर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जनसभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी योजनाओं के नाम पर वोट मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सात गारंटी को लेकर घर घर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और सरपंच मौजूद रहे। अलवर के मुंडावर में कांग्रेस की जनसभा है और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सभा में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए वोट देने की अपील की है। अलवर में 11 विधानसभा हैं जिन पर आपकी न केवल टिकट बांटने की जिम्मेदारी थी बल्कि उनको जिताने की भी जिम्मेदारी है। कितने लोग आप जिताकर लाएंगे सर? देखिए 11 में से 11 जीतेंगे। आज हम मुंडावर में हैं, आपने देखा होगा एक बहुत ही विशाल रैली हुई है। इसमें लगभग 30-40 हज़ार लोग की आज मीटिंग हुई है और एक तरफा माहौल बना हुआ है। इन लोगों ने तय कर लिया है, चुनाव तो की डेट तो 25 तारीख की, लेकिन आज ही फैसला कर लिया है। तो हमारे बहुत ही नौजवान साथी और बहुत ही जुझारू नेता ललित यादव जी को यहाँ से टिकट मिला है। 100 नहीं 1000% वो जीतेंगे। उनने 5 साल यह मेहनत करी है। इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है रोजगार की। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, 4-5 इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ रोजगार लोकल लोगों को नहीं मिलता है, प्रदेश के लोगों को नहीं मिलता। तो अपनी थी 5 साल नहीं, उसके लिए देखिए क्या होता है कि यहाँ का विधायक जो होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर यहाँ कांग्रेस का विधायक रहेगा, इनने संघर्ष करा है, और कांग्रेस का विधायक रहेगा तो वो दबाव दे सकता है, विधायक ला सकता है, इस पूरे क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्री है उनसे बात करके या नौकरी दिलवा सकता है। सात गारंटी को लेकर आपको भी प्रभारी बनाया गया है, कितने जिलों में आप जाएंगे, कितने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे? जो हमारी गारंटी जो योजना है उसकी एक यात्रा शुरू हो रही है, जिससे हम इस पूरी गारंटों को घर घर पहुँचा सकें और पूरे इन सभी इलाकों के अंदर हम काम कर सकें। इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा जो जयपुर डिवीजन है उस जयपुर डिवीजन के अंदर यात्रा जाएगी। लगभग हम 8 और 10 जिले कवर करेंगे और उसके बाद वो यात्रा घूमकर वापस जयपुर के अंदर जाएगी। ललित यादव हमारे साथ हैं, क्या प्रायोरिटी है आपकी चुनाव में? देखिए युवाओं को रोजगार को लेकर के हम लोग काम करेंगे और जिस तरीके से हमारे नीमराना में औद्योगिक जोन बना हुआ है, गहलोत में बना हुआ है, उन सब में आए दिन रोजगार को लेकर नौजवान प्रयासरत रहता है। ताकत मिलेगी सदन में जाने की तो कानून बनवा करके नौजवान को रोजगार दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरीके से अभी तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर किस तरीके कर सकते हैं, उन सब पे हम लोग काम करेंगे। अलवर जिले में 11 विधानसभाएं हैं और 11 विधानसभाओं की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह पर है कि वो इन 11 विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं। अलवर के मुंडावर में सभा है, भीड़ है जो बताती है कि कांग्रेस के साथ लोग हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सात गारंटी योजनाओं को लेकर घर घर जाना है और उसी पर वोट मांगना है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।